कौशाम्बी में कथित रेप का प्रयास करने वाले युवक का पड़ोसन महिला ने गुप्तांग काटा, पुलिस ने पड़ोसन महिला को किया गिरफ्तार। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत मंगलवार 14 नवंबर को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के मंझनपुर थाना अंतर्गत आने वाले माखूपुर गांव से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर एक महिला ने एक युवक पर कथित तौर पर रेप का प्रयास अपने घर में घुसकर करने का लगाते हुए उसका गुप्तांग धारदार चाकू से काट दिया। युवक की चीख पुकार सुनकर उसके घर वाले पहुंचे और घर वालों ने फिर उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज के बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया। पूरा मामला कुछ किसी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अक्सर महिला और युवक के परिवार वालों में झगड़े हुआ करते थे, ऐसा बताया जा रहा है। मंगलवार को भी ऐसा ही कुछ झगड़ा हुआ, ऐसा कहा जा रहा है। युवक के परिवार का कहना कुछ और है, महिला का कहना कुछ और है। महिला का कहना है कि युवक घर में घुसकर उसके साथ गंदी हरकत कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने अपने बचाव में ये काम किए। बहरहाल युवक का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित जो दावा कर रही है, महिला जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसका क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की ये चौंकाने वाली वारदात। हम घर पे अकेले थे, वो आया लड़का घर पे, हम दरवाजे में खड़े थे, तो उसने आया अचानक हंसते हुए आया, और मेरी लड़की भी नहीं थी ना ये जनियाई थी, हाथ पकड़ा लेके कमरे में जाने लगा। हमने तो मेरे हाथ छोड़ो, फिर हम नहीं छोड़ेंगे, कह रही कि नहीं। हमने कहा तुम हाथ ना छोड़ोगे तो हम सबको बता देंगे, कह रही तुम बता ही ना पाओगे। फिर हाथ पकड़ा, गर्दन पकड़ा, पकड़ के गोदी में उठा के कमरे में ले गया। तो हमने कहा तुम हमको छोड़ दो, हम रोने लगे। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे किचन से हम किचन में से छुरी लिया, छुरी लेके वो अपने कमरे में ही रहा। हमने छुरी लेके हम गए गद्दे के नीचे रखा। रखने के बाद जो है उसने कहा ठीक है, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, हमने हम नहीं छूने देंगे। हमसे कहा कपड़ा उतारो, हमने कहा हम नहीं उतारेंगे। हमने कहा तुम पहले कम्बल में मुँह ढाको, तब हम उतारेंगे। जैसे कम्बल में आधा धड़ मुँह ढाके हैं, बस हम छुरी लेके गुस्से में काट दिया उसका। हाँ। क्या नाम है लड़के का? गोल का नाम है। फिर पुलिस को किसने बताया? पुलिस, हमने अपने मियाँ को पहले फोन किया। मियाँ से फोन करने के बाद कहने लगे आप जो किए हो अच्छे किए हो, अब उसके रास्ता कुछ है ही नहीं ना, अब जो पुलिस बोलेगा अपना बोलो, और कुछ बोले नहीं है। तो पुलिस वाले आपको यहाँ लाए? हाँ। क्या कहे आप? फिर एक चैंपियन है। हाँ। चैंपियन ही हमको लेके आए हैं। क्या बोले आपसे? उसने कुछ नहीं बोला, कहने लगे जो बयान है जो पूछा। तो आपने थाने में चौकी में शिकायत किया? हमने कर दिया है। तो क्या हुआ उसमें, कुछ कार्रवाई हुई? अभी कार्रवाई कुछ हुई नहीं है, बस वही चादर उधर लेके आए हैं, छुरी लेके आए हैं, लेके आने के बाद अभी रखे हैं। आपको क्या कह रहे हैं? तो हमसे कहा है कि तुमको जो बयान दिया गया तुम बताइए, वो बयान बताओ कि बड़े बाबू से। मैं वहाँ पे काम कर रहा था तो वो मुझे बुलाई थी, तो मैं वहाँ पे गया, मैं पूछा क्या हुआ, तो रुमाल एक था सफेद सफेद, उसमें कुछ ऐसे नाक के पास लगाया, उसके बाद मुझे नशा चाह गया, मैं वहीं पे गिर गया। उसके बाद उसने मेरा इंतजार किया, जब मुझे होश आया तो मां खून बह रहा था, फिर मैं वहां से ऐसे भादा देवते पड़ते आया घर में, तो घर में बताया तो घर वाले मेरे हॉस्पिटल लेके आए निजामुद्दीन। थाना मंझनपुर क्षेत्र के ग्राम शरीफपुर में एक पुरुष का उसकी पड़ोसी महिला से वाद विवाद होने के कारण महिला द्वारा उसका गुप्तांग काट दिया गया था। तत्काल सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घायल को आवश्यक चिकित्सीय सहायता के लिए जिला अस्पताल मंझनपुर ले जाया गया, जहां उसे प्रयागराज रेफर किया गया। घायल के पिता की तहरीर के आधार पर थाना मंझनपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
महिला को हिरासत में लेकर चाकू की बरामदगी कर ली गई है एवं उससे पूछताछ करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जा रही है।